तो लगाते हैं रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। इसके ऊपर, इस व्यू को तो चेंज करने की जरूरत है नहीं हमको, एनवायरमेंट आप बंद कर दीजिए क्योंकि एनवायरमेंट यूज में हमको अभी दिखा रहे। और मेरे को इसके ऊपर अप्लाई करना मेटेरियल, मेटेरियल दोनों में भी करना, वैसे विंडो दो ही विंडो है क्या, तीन है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इन दोनों पे हम कुछ यूज करते हैं। तो एम फ्रेस करेंगे, आपको वीरे एमटीएल दिया ड्यू लेना पड़ेगा। असाइन टू सिलेक्शन डीपीयूज में गए, अब इसमें विंडो की इमेज लानी है। ये तो डोर है, साइज वगैरह अपना बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि यूवी डब्ल्यू मैप लगाई, साइज अपना ले गई, तो लेंथ, अब इसकी लेंथ क्या है विड्थ क्या है वो आपको चाहिए। हाइट क्या थी इसकी, 5 फीट, और विड्थ कितनी थी, 4 फीट 3 इंच। अब इसमें आपको यू और वी जो टाइल होती है उसको चेंज करना है, तो इसमें सब वी वी चेंज करूंगा। इससे भी कर सकते हैं, यहां से तो कर ही सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, नहीं तो आप यहां पर जाओ और यहां पर एक गिज्जू आता। ठीक है, इस गिज़बो से भी इसको एडजस्ट करता हूँ, हो गया, वापस बाहर आ जाओ। अब ये कि ये चीज से हम इस पे अप्लाई करनी है, तो दोनों पे सेट हो गया, दोनों पे लग गया। अगर कुछ चेंज लग रहा है तो इसका यूनिवर्स मैप इस पे छोड़ दो, तो अप्लाई हो जाएगा दोनों पे। अगर क्लाइंट को ज्यादा ही रिक्वायरमेंट होती है तो फिर हम यहाँ पर वो यूज करते हैं डोर वगैरह बना करके। अब यहाँ पर लगेगा, अब इस पे आप लगाओ तो इसको लगा सकते हैं, नहीं तो आप उसपे भी इमेज यूज कर सकते। और इसका कलर तो आपको वैसे डिफ्यूज है, ये तो ब्लैक दे रहा है, चेंज करा, हम इसमें कलर दूसरा लगा देंगे, मेटेरियल दूसरा लगा देंगे, और यहाँ पर किसी डार्क कलर यूज कर। मैं चाहता हूं कि इसको इसको एक अटैच करो, अब पॉलीगॉन ही लेता हूं, एक तो ये वाला पॉलीगॉन लेना पड़ेगा, करती है तो एम्प्रेस मटेरियल असाइन टू सिलेक्शन डिफ्यूज जनरल जनरल के अंदर मीटिंग। सर इसका बड़ा नहीं चल रहा है, कैसे लगा नहीं सकता ना,
क्लाइंट को अगर चाहिए तो बनाओ, नहीं तो जरूरी नहीं एक बार आगे दे दिया। कैसे तो दे रहा आपको 6,000 का काम करे, 20,000 का काम आया। अब इसमें से नॉर्मल वे में ओनली पत्थर लगा दो प्लेन, ठीक है। अब इसके ऊपर ही UBW में मॉडिफाइड टेम्परेचर प्लेन ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन ले लीजिए। अब इसकी लेंथ वेट आपको मैं रखता हूँ कि इसकी जो लेंथ तो है वो तो है 12 इंच, वेट है वो है 30, ठीक है। और ये खींचा हुआ दिख रहा है तो ये विड्थ कर दो आप 12 और लेंथ कर दो आप 32। ऐसे खींचा हुआ दिख रहा है अभी भी, तो आप चेंज कर देना इसको, करते हैं 12 इसको 36। मटेरियल को रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाओ गिज्मो, गिज्मो को रोटेट कर दो आप। एंगल स्लेट 90 डिग्री, वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, ठीक है। हमको इसमें जाके ये गिज्मो रोटेट कर रहा है, नहीं तो फिर यहां से रोटेट नहीं हो रहा है तो आपको फिर यहां से रोटेशन करना पड़ेगा। ये यहां पर आ एंगल कितना देना क्या करना, यहां से जैसे चेंज करोगे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बी में करना है तो बी में कर दो, यहां से भी रोटेट कर सकता हूं मैं। यहां पे लिख देता हूं 92। अब UVW मैप लगा हुआ है वैसे ऑलरेडी, टेंशन की बात नहीं आपको, ठीक है। अब इसमें मैं इमेज ही चेंज कर देता हूँ, मेरे को इमेज ये नहीं चाहिए, तो क्या इसमें एड्रेस दूसरा वाला यूज करूंगा। लेनर और इसमें दोनों इक्वल कर दूंगा मैं, 36 36 दोनों इक्वल। एम प्रेस करके इसमें जो ये एंगल चेंज कर रखा है इसको डिफॉल्ट जो था वही रख दूंगा, अब ये खींचा हुआ दिखने लग गया यार।
गिज्मो पे जाके करना पड़ेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉल्ड क्यूब करूँ, आइसोलेट करूँ। रोटेट डिप्रेस अब गिज्मो से बाहर आ जाओ, तो यहाँ क्लिक कर देता हूँ और पॉलीगॉन से बाहर आ जाता हूँ। मटेरियल सब में लग गया बट अभी भी टाइलिंग सेट नहीं हुई। आप बॉक्स लेके भी कर सकते हो, वही इक्वल साइज 36 दे दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ पर 36 दे दिया। अब देखो मेटेरियल लगा है बट ये थोड़ा बहुत कट दिखेंगे क्योंकि इमेज आपके पास अच्छी होगी, तो से देर को इमेज अच्छी है। अब अनहाइड ऑल करो, ये इस तरीके से दिख जाएगा। इसमें और भी यूडोल में आप कुछ चेंज करना चाहते हो, मान लो कि 36 नहीं लगे 24 ही रखो, तो 24 कर दो। एम प्रेस करके इमेज आपको ये अभी भी सही नहीं लग रही ना, दूसरी इमेज और भी होगी वो यूज कर लो, आप चाहो तो ये ले सकते हो। ये कुछ इस तरीके से ये दिखेगी, ठीक है। अगर ये भी सही नहीं लग रही है तो आप दूसरी इमेज ले लो और ये ले सकते हो या ये लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये लगा के देखते हैं एक बार। अब इसको वापस रोटेट करना पड़ेगा दो चीज, ठीक है। अब इसमें भी रोटेशन का ही दिक्कत है, तो अभी मैं सिर्फ नॉर्मली यही यूज करता हूँ जो मैंने अभी किया था, ये कर लेता हूं। अभी भी ये खींचा हुआ दिख रहा है पर मटेरियल तो थोड़ी सी इसकी साइज में कम है, जूम करके देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको हाइट में रखता हूँ 12 इंच, लेंथ में तो आप 3 फिट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सेट हो जाएगा। ज्यादा खींचा हुआ दिखे तो फिर इसकी हाइट कर देता है 24। मटेरियल ज्यादा खींचा हुआ नहीं लगता मुझे, बाकी मेन चीज कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप कोई भी पत्थर जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग यूज करो। देखिए अब आप सी प्रेस करो एक बार, F इधर 8 प्रेस करो ओनली वन, और यहां से यूज बैक और F9। अब यहाँ से इंटरेक्टिव रेंडरिंग करके मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो तो इंटरेक्टिव रेंडरिंग, हाथों तो हाथ आपको भूल दिखाए। ये विंडो लग गई, यहाँ पर हो गया सेट हमारा, इस पे हमने मेटल लगा लिया था, हम चेंज भी कर सकते हैं मेटल के लिए, वो भी उसका भी ला सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको यहाँ पर एक तो क्रोम पे एक वेबसाइट होती है एम्बियंट सी की, आपको वैसे क्या लिखना है कि यहाँ पर लिखना है पीबीआर मटेरियल, एक वेबसाइट है MBNCG, उस पर आपको टेक्सचर वगैरह सब मिल जाए। अब मेरे को वैसे यहाँ पर मेटल चाहिए, अभी बार मेटल यूज करना है। तो इसमें दे रखा हूँ। अब आपको 4K में चाहिए, 8K में चाहिए, मेरे को 4K ही चाहिए, ज्यादा हाई भी नहीं लेते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं। अब
इसी का यूज हम इस मेटल पे करेंगे। अभी तो वैसे ये इंटरेक्टिव ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ऑल्ट डब्ल्यू करता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ और एज फ्रेश करके एनवायरमेंट रिमूव कर देता हूँ, मतलब फ्यूज में। अब ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, रन प्रेस करता हूँ, कोई मेटेरियल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। वी रैम के ले लो, असाइन टू सिलेक्शन कर दो, और जहां पे आपने डाउनलोड की फाइल उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करो, ये जे फाइल में आएगा बस। मेन पीएनजी आपकी ये है, ये सब इमेजेस इसके अंदर इंक्लूड है, ये भी होगा। फिर अपने इसमें पे कलर मैपिंग है, जो जेपीजी इमेज है, डिस्प्लेसमेंट मैप है, नॉर्मल मैप है, ये सब। और इसको अब यूज करने के लिए करना पड़ेगा, तो एक तो मेरे एमटीएल से यूज कर रहे, फुल कलर यूज करते हैं, एक यहाँ पर आता है पीडिया ये वाला पीबीआर, राइट क्लिक असाइन टू सिलेक्शन, बेस कलर है वो जो आपकी डिफॉल्ट इमेज थी वो ही। मेन इमेज कौन सी है आपकी, इसके मेटल की कोई इमेज डिफ्यूज, जैसे कि वैसे तो ये है मेटल ये वाली, बट ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, वैसे आपने लगे लगी हुई है, बट ये वो चीज ही आएगी जो चीज हमको चाहिए। इसको ऑल्ट क्यों करो और यहाँ से रेंडर कर रहा है, रेंडर को बंद करते हैं, देखो इमेज तो इसमें लग गई है, ठीक है। अब ये भी लगा सकता हूँ, और इसमें और भी हमारी इमेजेस जैसे कि ये मैन जेपीजी कलर ये लगा सकता हूँ, ये चीज लगाऊंगा मैन तो मैं, वैसे यहाँ पर तो हमने यूज करी थी अभी। इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, ये वाली इमेज है पहले ये लगा दो, और यहां पर लगाओ सेकंड वाली इमेज, ये है सेकंड में, ये होगी रफनेस के अंदर, आपको यहां पर आपको रफनेस में ये रहेगा। फिर इसके अंदर नॉर्मल वाला भी दिखेगा, नॉर्मल वाला भी लिखा हुआ है, नॉर्मल या नॉर्मल में, नॉर्मल में आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। ये डीएक्स में है और के जेपीजी में, तो जेपीजी ही लेते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर फोर है, वो है आपका इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, सारे एड होते हैं, ठीक है। अब हम जाते राइट क्लिक अनहाइड पोल, की प्रेस, एड प्रेस, यूज मैप और टच माइक, तो क्वालिटी वगैरह अच्छी होगी तो ये सब मैपिंग यूज करके हम इसको रेंडर अच्छा यूज कर सकते हैं, ये मैपिंग सारी यूज, जैसे जैसे दे रहे हो वैसे आपको अटैच करना। और ये मैप जो बनते हैं ये फोटोशॉप के अंदर मिलते हैं,
एयरटेल बनता फोर सौ चौहत्तर से अस्सी रुपये को मिला फिर मेरी से एक दो चीज ठीक है तो सस्ते नहीं ना बोल देगा। इसके बाद आप इस बाकी वाले पे आपको यूज करना है तो वो भी सेम पॉलीगॉन से ही होगा, एडिट पॉली ले सकते हो। मेरे को मान लो बाकी सब जो भी यूज मेटेरियल करना है, अब इसको मैं कलर यूज कलरिंग यूज करूंगा तो दिक्कत नहीं है। अगर ये आपका ब्राउजर चलता है नेट से तो आप मेटेरियल की जरूरत कोई नहीं, सारे मेटेरियल मिल जाएंगे आपको, लग दो लोगों सब मिल जाएंगे टेक्सचर वगैरह। मेरे चलता रही है मेरी सीधा नहीं करने अपन बनता है तो जो दिख रही है वो चीज वैसे लगा रहा ठीक है। वैसे ज्यादा इतना जो दिख रही है मैन आपको एलिवेशन वो रील आपको सब लोग वैसे लग रहे हैं, बाकी इतना नहीं है कि हर चीज में दिखा रहा। और इसमें भी आप वीर एमटीएल ले लो, और इसमें तो आप कुछ कलर लगिया मेटेरियल इसको बनाओ बात हो। अब इसमें आप कैसा कलर चाहिए क्या दिखते हैं यहाँ से डिफरेंट है, और जो भी कलर आपको चाहिए ना वो यहाँ से रिफ्लेक्शन चाहिए थोड़ा सा वाइट ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तुमको। रिफ्लेक्शन ऐड करी तो ये कांच पे दिखने लग गया, तो रिफ्लेक्शन ऐड ही मत करना, डिफॉल्ट जो चल रही है चीज वही रिएक्ट कर ले। ठीक है ऐड प्लेस कर दो। ये चीज आपको करनी है ठीक है। लगभग दो चीज को इस तरीके से पूरे मेटेरियल अप्लाई कर जैसे जैसे इंजीनियरिंग दे रहे हो वैसे अप्लाई करते अभी।